ही बनेंगे सिंगर। आज फाइनली हमें द वायरल सिंगर सीजन 1 के विनर का पता चल जाएगा। कौन होगा वो? ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अरिंदा, नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनिल, वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही युक्ता, या फिर साउथ को रिप्रेजेंट कर रही अमृता। विनर को मिलेगा 51,000 का कैश प्राइज, और साथ ही एल्गोल फिल्म्स की तरफ से हमारे टैलेंटेड जजेस में से किसी एक जज के साथ ओरिजिनल म्यूजिक वीडियो में गाने का मौका। तो इन चारों में से कौन बनेगा विनर, ये मैं नहीं बता सकती। ये जानने के लिए आपको ग्रैंड फिनाले का पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। सो हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है सिमरन आहूजा एंड आई वेलकम यू टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ द डिजिटल सिंगिंग रियलिटी शो द वायरल सिंगर, एन एल्गोल फिल्म्स प्रोडक्शन, प्रेजेंटेड बाय कोको हाई एंड एसोसिएटेड बाय फर्स्ट इंडिया 94.3 माय एफएम, यूथ नेशन, प्राइमिक्स एंड क्रिएटिव क्षेत्र। पे चल के चांद को छुएंगे, आसमां सपनों के मुट्ठी में रखेंगे, तारों पे चल के चांद को छुएंगे, आसमां सपनों के मुट्ठी में रखेंगे, आंखों में रख कर खो रातों को जगेंगे। करके हम दिखाएंगे, माथे पे रखेंगे उम्मीदों की लकीरें, आंखों में रखेंगे सूरज के उजाले, हवाओं के इरादे आज हम बदले। फिनाले के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने जा रही है फेमस बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, जिन्होंने एक डायमंड दहार, पल्लो लटके और मुंगड़ा जैसे न जाने कितने ही गानों से लोगों के दिलों पे राज किया है। Who is none other than our जलंधर की क्वीन ज्योति का टांगड़ी। थैंक यू सो मच सिमरन इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए, एंड आपने खुद इतना प्यारा काम किया है, इतना अच्छा होस्ट किया आपने, शो में चार चांद लगाए हुए हैं। एंड रियलिटी शोज की अगर बात करें तो मेरा नाता तो रियलिटी शोज से बहुत पुराना है, एंड ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं रियलिटी शोज की ही देन हूँ, वहीं से मुझे यू नो बहुत सारा कॉन्फिडेंस, फेम और सब कुछ मिला है। सो लेकिन आज एक डिजिटल कॉम्पिटिशन, डिजिटल रियलिटी शो का हिस्सा बन के भी मुझे बहुत ही अलग फीलिंग हो रही है, बिकॉज आई थिंक दिस इज द न्यू नॉर्मल, यू नो अभी अचानक से लॉकडाउन हो जाने की वजह से, कोरोना की वजह से हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि किस तरह से वापस यू नो जिंदगी की चीज़ें हम करेंगे, रियलिटी शो कैसे होगा, शूट्स वापस कैसे शुरू होंगे, बट सी जिंदगी नहीं रुकती है, ये प्रूव हो गया है इस यू नो सिचुएशन में, कोरोना के बीच में आने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पर हैं आज। तो मैं तो बहुत सारा एंजॉय करने आई हूँ यहाँ पर आज, और सभी जो चारों कंटेस्टेंट्स हैं मैं उन सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी, एंड आई वुड लव टू लिसन टू ऑल योर परफॉर्मेंसेस। थैंक यू सो मच ज्योतिका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस ऑन दिस रियली अमेजिंग शो
जो सबसे पहला ऑनलाइन डिजिटल रियलिटी शो है द वायरल सिंगर. थैंक यू सो मच. और अब आप हमारे शो पे आई गई हैं, तो प्लीज आपसे गाना ना सुने तो हमारे व्यूअर्स के लिए ये एब्सोल्युटली ना इंसाफी होगी. तो ज्योतिका, प्लीज मैं रिक्वेस्ट यू कि आप हम सभी के लिए अपनी आवाज में कुछ सुनाए. दो तोले की मुंदरी लाते, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना. हाँ, दो तोले की मुंदरी लाते, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना. ना समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा भी सुनूरानी, देखेगा तो खा जाएगा सौ सौ झट के. Thank you so much. Yeah, that was absolutely beautiful, Jyotika. Thank you so much. Yeah, our part, hamare saath, is manch pe judi, aur grand finale ko aur bhi grand bana diya. What an experience, absolutely wondrous. Thank you so much. Hello to our lovely people, my name is Simran Ahuja and I'm so delighted to share with you my lovely experience I had with the online very first, one of its kind reality singing show, The Viral Singer. Ab bas yun hi lagta hai ki The Viral Singer aur hamara jo saath hai, it's been so awesome, so phenomenally great. So I'm totally thankful to everyone, you know, right from Swapnil Jaiswal. I know hum, you know, entire nights hum awake rahe hain, you know, to do our shows, you know, raat ko 2 baje ho ya subah ke 4 baje ho ya 5 baje ho. We've been really, really crazy and we've been working at crazy hours to really make it possible. I'm also going to thank Ajay Jaiswal ji and everyone, you know, who was really connected to this, Piyush Jaiswal, for really having me on Algol Films Production. Bahut bahut shukriya for this lovely experience that I had, one of its kind. Or you know, I mean, I know, you know, hum sab ke liye, since it's a singing reality show and online tha, it wasn't really easy to really manage everything. But ab jo grand finale aa gaya hai, to lag raha hai, oh god, bas abhi last session hai. So it's been truly, truly a great journey and I'm truly thankful to everyone who's been here. And yeah, when my experience, I would love to share with you. When I won my beautiful title of Miss India Magnificent in 2013, 2013, you know, I really felt on the top of the world. And then I had to represent India, you know, on the international level. Or jo 2013 mein Niagara Falls mein tha in New York City. And it was absolutely, absolutely brilliant, you know, when we, right from the time we reached New York, you know, and wahan se jo safar tha towards Niagara Falls, you know, we were there at both the places. And it was phenomenally great to meet all these beautiful girls from across the world jo apne apne country ko represent kar rahi thi. It really wasn't easy, but trust me, it's a life-changing experience. Aur jo hum maza lete hain wahan par, aur jo maze ke saath saath jo seekhte hain, hamare saath hamesha rehta hai. Wo kehte hain na, we always wear that invisible crown. To hamesha aise hi lagta hai ki क्राउन विन होना
एक बात है, लेकिन उसके बाद आप क्या काम करते हैं, दैट रियली स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट यू. एंड आई थिंक द बेस्ट एग्जाम्पल इज प्रियंका चोपड़ा. आई थिंक देर कैन बी यू नो नो वन लाइक हर, यू नो द ग्लोबल आइकॉन जो हमारी है, स्टार. इट्स एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वंडरफुल. सो इट्स बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड राइट फ्रॉम देयर. एंड द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी वाज हाउ डू आई डू मल्टीटास्किंग. I don't know, it just happens. I don't know. But let me tell you very honestly, there have been times of, you know, Swapnil like calls me up at 12 and, you know, I finish my USA show, jo TV channel ke liye ho raha hai, because simultaneously all the shows are on. I'm like, yeah, 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 Swapnil. And main show karte karte yahin pe so jaati hun. And then I wake up for 2 hours and I'm like, okay, 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 yeah, yeah, you know, I have to send the files to Swapnil. So it's been crazy, crazy ride. Actually, Swapnil is the guy who sleeps at right time. लेकिन मेरे सारे यू नो टाइमिंग्स ऐसे होते हैं बिकॉज माई शोज आर देयर यू नो टिल ऑलमोस्ट 12 और 1 टिल मिडनाइट. उसके बाद फिर शूट शुरू होती है. सो आई थिंक इट्स जस्ट इफ यू लव व्हाट यू डू, आई थिंक इट्स ऑल मैनेजेबल. सो इट्स बीन अ लवली एक्सपीरियंस, ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. एंड आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ थैंकिंग द एंटायर क्रू ऑफ द वायरल सिंगर. बड़ा मजा आया आप सबके साथ एंड ऑल द लवली कंटेस्टेंट्स. और जो जर्नी शुरू हुई थी विद 5,432 people से लेकर top 21 contestants तक, and आज जो हमारे top 4 contestants हैं, to vouch for the grand finale of the Viral Singer and to see who the winner of the Viral Singer season 1 is. So it's been a beautiful journey and thank you to all of you, to all our viewers as well, for being a part of this lovely journey. My name is Simran Ahuja and I'm truly, truly delighted you know, to be with all of you since the past 2.5 months, and it's been absolutely fantastic and fabulous. आइए ग्रैंड फिनाले के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और जज विशाल से पूछते हैं कि आखिर कैसा रहा उनका द वायरल सिंगर का ये सफर. वेल, अब जो ये सिलसिला खत्म हो चुका है द वायरल सिंगर का, आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी. मैं सारी टीम द वायरल सिंगर की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ. सारे स्पॉन्सर्स कोको हाई, उनको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना हार्ड वर्क किया और ऐसी सिचुएशन में लॉकडाउन में हमें समझ भी नहीं आया और हमारा जो टाइम है वो इस तरीके से यूटिलाइज हुआ है. दैट्स व्हाई, दैट्स द रीज़न आई एम वेरी वेरी हैप्पी. एंड मेरे सारे को जजेस हैं, साहिल, प्रियंका एंड कुशाल, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गेटिंग एसोसिएटेड. एंड हमारी ब्यूटीफुल एंकर है सिमरन, जो कि कमाल है, उन्होंने बहुत अच्छा लीड किया है शो को. सो ओवरऑल पूरी टीम को मैं बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ, द वायरल सिंगर की पूरी टीम को. एंड वंस अगेन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट अगेन विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट. सो जनता जो हमारी है वो प्लीज़ द वायरल सिंगर के पेज को ऐसे ही फॉलो करते रहें, शेयर करते रहें और इसके नए नए अपडेट्स जो आने वाले हैं आपको जल्दी पता लगेंगे. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन. आई एम रियली रियली हैप्पी एंड इमोशनल एज वेल, क्योंकि ये सिलसिला यहाँ पर आज ख़त्म हो रहा है. बट Hope to see you soon, guys. Love you. God bless you. बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन सिंगिंग का शो है तो परफॉर्मेंस तो होना ही चाहिए. और आज ग्रैंड फिनाले है तो हमारे कंटेस्टेंट्स को थोड़ी देर के लिए आराम करने देते हैं और जजेस को थोड़ा तंग करते हैं. आखिर उन्होंने भी तो हमारे बेचारे कंटेस्टेंट्स को कितना परेशान किया अपने चैलेंजेस से. तो सबसे पहले मैं परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ जज कुशाल को. कुशाल, कैन यू प्लीज रिक्वेस्ट यू फॉर अ सॉन्ग. उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहां, मंजिल से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीद हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को पार बार आशाएं,
Performance tha. Thank you so much, Kushal. That was absolutely brilliant. Maza aa gaya. Chaliye. To baatein ho gayi aur performance bhi dekh liya humne. Waise maine suna hai ki hamare finalists ke paas kuch task hai. Wo bhi mere liye. Koi baat nahi. Main puri koshish karungi ki un task ko main puri tarah se nibha sakun. Hello, Simran ji. सो आपने थ्रू आउट द जर्नी बहुत सुंदर तरीके से आपने एंकरिंग किया है और आप हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोल देती हैं बट आई वॉन्ट टू सी कि आप मलयालम बोल पाती हैं या नहीं सो देयर इज अ स्मॉल चैलेंज फॉर यू आपको बस ये सेंटेंस रिपीट करना है इट्स एल्लावरुम वीटिल सुखमायिरिक्कुन्नु എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു सो ऑल द बेस्ट अमृता पहले तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस आर द टफेस्ट लैंग्वेजेस मुझे सिर्फ वनकम आता है एंड आई थिंक वनकम इज तेलुगु तमिल और तेलुगु या और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी दैट मलयालम इज वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेजेस हमारी कंट्री में और जब मैंने दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होस्ट किया था लास्ट ईयर सेप्टेम्बर 20th को तो यू नो वी हैड द एंटायर साउथ फिल्म फ्रेटर्निटी जो थे वहां पर तो मैंने कुछ कुछ वर्ड्स याद किए थे और याद करने की कोशिश की थी बिकॉज वी हैड आवर चीफ गेस्ट एज अ ऑनरेबल गवर्नर तो मुझे बहुत मजा आया था लेकिन मलयालम इज रियली रियली टफ सो मैं ट्राई करूंगी प्लीज बताइए मुझे എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു यार ये आसान नहीं है ओह ओके सो लेट मी ट्राई ओके ഇലാവരം വീട്ടിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു ഇനു യോഷേയിക്കുന്നു ओके एक और बार ओके इलावरम वेटे सुखमाय कीनु इनो योशे कीनु ओके इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता बट यार दैट्स मलयालम ये आई स्पोक मलयालम एज वेल थैंक यू सो मच द वायलिन सिंगर थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी जहां मैंने मलयालम में बात की विद अमृता थैंक यू अमृता दैट वॉज स्टिल मैनेजेबल टास्क थैंक यू सो मच एंड प्लीज मुझे अच्छी तरह से मलयालम जरूर सिखाना Thank you and all the best to you. Up next, I would like to call upon our first finalist to perform. Yukta Ganesh Patil from Team Priyanka's Perfect. Aur apne performance ko aur bhi perfect banane ke liye inka aaj ka jo look hai wo bhi bilkul perfect hai. To aaiye sunte hain Bajirao Mastani movie ka famous song Binga. Hamari contestant Yukta ke andaaz Oh
मांग लागे दुनिया दिया दीना के बाजे दुने जम जम जमाक जा तो नचे मन छम छम छमाक जा के बाजे दुने जम जम जमाक जा तो नचे मन छम छम छमाक जा ए लट पट कमर दामिनी अदर रागिनी मेरे दर आई के दिस जिद जिद को मेरे पिया की सांवरे जिया से बावरे मेरे अंगना में देखो आज खिला है जान के बाजे दोने जम जम जमाक जा तो नचे मन छम छम छमाक जा के बाजे दोने छम छम छमाक जा तो नचे मन छम छम छमाक जा इंगा कपूरी पिंगा कपूरी पिंगा कपूरी पिंगा पिंगा कपूरी पिंगा कपूरी पिंगा कपूरी पिंगा पिंगा कपूरी पिंगा कपूरी पिंगा कपूरी पिंगा पिंगा कपूरी पिंगा कपूरी पिंगा कपूरी पिंगा थैंक यू। दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा ने अपने डांस से इस गाने को खूबसूरत बनाया था और आपने आज इसी ग्रैंड फिनाले पे ये गाना गा के ग्रैंड फिनाले को खूबसूरत बना दिया। इट वॉज आउटस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच। वैसे परफॉर्मेंस के साथ साथ इस मंच से जुड़ी हैं लोगों की कई सारी बातें और यादें, चाहे कि जजेस हो, होस्ट यानी कि मैं, या फिर हमारे कंटेस्टेंट्स। आइए जानते हैं हमारे फाइनलिस्ट अरिंदम का, द वायरल सिंगर का ये सफर कैसा रहा। नमस्कार, तो आज मैं द वायरल सिंगर शो में अपने जर्नी की एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उसी टाइम ये वायरल सिंगर शो शुरू हो गया था और इस शो ने एक्चुअली मुझे अपना पैशन रिलीव करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया था, टू बी वेरी फ्रेंक। तो आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस शो, माई रिस्पेक्टेड जजेस एंड स्पेशली अजय जयसवाल सर। तो इस जर्नी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही एनथ्रिलिंग रहा है पहले से ही। इट्स बीन एक्साइटिंग, अमेजिंग एंड एज वेल एज फ्रस्ट्रेटिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि गाने प्रैक्टिस करना, उसको वीडियो करना और जब तक परफेक्ट ना हो जाए उसको री रिकॉर्ड करना, ऑफिस के काम के साथ साथ थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ गया था बीच बीच में। लेकिन जब भी अपने आप को यूट्यूब में देखता था पूरा फ्रस्ट्रेशन निकल गया था एंड आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। तो बिगिनिंग से लेके आज तक मेरा एक्सपेक्टेशन जो इस शो में रहा है कि मैं जितना हो सके लर्न करूं एंड डेफिनेटली इस शो को जीतूं, तो आज भी दैट इज दी ओनली एक्सपेक्टेशन आई हैव, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आई वॉन्ट एंड आई विल हैव टू विन दिस शो। तो इस शो के दौरान मेरा लर्निंग कर्व एक्सपोनेंशियल रहा है, मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे जजेस ने मेरे प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स पॉइंट आउट कर दिए हैं ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ एंड येस आई डिड इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आके बहुत सारे गाने सीखे हैं और अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है एंड आई कैन प्राउडली से कि आई एम अ बेटर सिंगर नाउ एंड थैंक्स टू द वायरल सिंगर फॉर दिस। एंड ऑफकोर्स हाउ कैन आई फॉरगेट माई ऑडियंस आउट हियर, क्योंकि ऑडियंस मैं मानता हूँ कि उनका एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहा है इस शो के थ्रू। अगर मैं एक कप हूँ, माई ऑडियंस इज माई प्लेट, क्योंकि दे आर होल्डिंग मी, दे उन्होंने कभी मुझे टूटने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। ओनली बिकॉज ऑफ देम आज मैं यहाँ तक आके पहुँचा हूँ, सो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू देम। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं ये शो जीत जाता हूँ तो ये मेरी जीत के साथ साथ मेरे ऑडियंस की भी जीत होगी। In the end, to express why I want to win this title is, ये जो टाइटल अगर मैं जीत जाऊँ तो वायरल सिंगर, ये टाइटल मुझे मेरा जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा और जो मैं म्यूजिक एज अ करियर करना चाहता हूँ, इट विल बी दिस सक्सेस, दिस टाइटल द वायरल सिंगर विल बी द वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स माई करियर इन म्यूजिक। That's in a personal perspective. In a broader perspective, I would say as I belong to Assam and I am representing my state here, I would want मेरे जितने भी भाई हैं, बहन हैं असम में, वो लोग आगे निकल के आए, अपने टैलेंट्स शो करें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में और हमारे असम का नाम भारत और दुनिया में रोशन करें। इन द एंड आई वुड से मेरे माता पिता, मेरे लव्ड वंस, मेरी फैमिली और जनता के लिए मैं ये जरूर जीतना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। यू आर फॉर श्योर एन इंस्पिरेशन टू मेनी। आपको देख के ना सिर्फ असम के लोग बल्कि देश भर से जुड़े हमारे व्यूअर्स भी इंस्पायर होंगे। चलिए बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट फाइनलिस्ट अनिल ठाकुर को फ्रॉम टीम कुशाल स्नाइट और देखते हैं कि आज क्या स्पेशल परफॉर्म करते हैं हम सभी के लिए। मेबी प्लीज पुट हैंड्स टुगेदर फॉर अनिल ठाकुर फ्रॉम टीम कुशाल स्नाइट।
पिछे पिछे आउंदा मेरी चाल ते ना आई, पिछे पिछे आउंदा मेरी चाल ते ना आई, चीरे वाले आ वेखदा आई वे तेरा लौंग वाचा। पिछे पिछे आउंदा मेरी चाल ते ना आई, पिछे पिछे आउंदा मेरी चाल ते ना आई, चीरे वाले आ वेखदा आई वे मेरा लौंग वाचा, मेरा लौंग वाचा, मेरा लौंग वाचा। निगुड़ नालो इश्क मिठा ओए होए, निगुड़ नालो इश्क मिठा आए हाय, नी रब्बा लगना किसे नू जावे, निगुड़ नालो इश्क मिठा, नी अखा बिच पाके गजड़ा ओए होए, नी अखा बिच पाके गजड़ा आए हाय, नी मुंडा मोलिया नी टेढ़ी पग वाला अखा बिच पाके गजड़ा। बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, आवांगा हवा बनके। बूहे बारियां आए, बूहे बारियां, बूहे बारियां आए, बूहे बारियां, कल्लियां गुजारा कालियां डंग दियां मैनू रुता प्यार वालियां, तेरे बाजो दिल नी लगदा मैं ते मर गईयां। आजा सोनिया घर आजा सोनिया, आजा सोनिया घर आजा सोनिया, आजा सोनिया घर आजा सोनिया, आजा सोनिया। नसीब तो कमाल ही कर दिता, आई मस्ट से आपने तो धूम मचा दी। अनिल के परफॉर्मेंस के साथ ही ग्रैंड फिनाले का ये पार्ट खत्म होता है। मैं आपसे सेकंड पार्ट में मिलूंगी, जहां आप देखेंगे और भी बहुत सारे परफॉर्मेंसेस, ऑल डे सारी बातें करेंगे हम अपने जजेस से और फाइनलिस्ट के साथ। आई सी यू सून।